बाद आने वाला जो वर्क होता है। जहां तक तुम्हारी समस्या को लेकर बात है, देयर इज नो रेमेडी। देखो हमने कहा था देयर के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो डिपेंड करता है कि इसके बाद नाउन या प्रोनाउन कैसा दिया है। अब यहां पर रेमेडी जो है वो कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, किस हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है। देयर इज नो रेमेडी। अब रेमेडी जो है इसका मतलब होता है क्योर, और रेमेडी या क्योर अपने पीछे प्रपोजिशन लेते हैं फॉर, कब, जब ये नाउन के रूप में यूज होते हैं। तो किसी चीज का इलाज, देयर इज नो रेमेडी ऑफ दिस, नहीं, देयर इज नो रेमेडी फॉर दिस, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये कुछ क्योर का पहले भी एग्जाम में आ चुका है, ये वर्ब के रूप में तो ऑफ लेता है, लेकिन नाउन के रूप में इसका पेयर किसके साथ बनता है, इसका पेयर बनता है ऑफ के साथ। तो ये हम लोग प्रपोजिशन चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है, वहां पेयर ऑफ वर्ब्स में आता है इसका पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी में इसका एरर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, ऑल डे लॉन्ग दे वर ऑक्यूपाइड विद राइटिंग लेटर्स टू देयर नियर एंड डियर वंस। पूरा दिन भर वो लोग बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, पहले बताओ। ऑक्यूपाइड जब आप किसी चीज में होते हो तो इसका मतलब यू आर बिजी। When you are occupied in something, it means you are busy. आप अगर किसी काम में occupied हैं, तो इसका मतलब आप उस चीज़ में क्या है? Busy है। तो किसी काम में occupied होने का सीधा सा मतलब आता है किसी काम में busy होना, ठीक है? चलो, next, all day long, they were. अब यहाँ पर all day long मतलब दिन भर, ये बिल्कुल सही phrase दिया है उसने। They were plural है, तो इसके हिसाब से ये verb भी सही दे रहा है, ठीक है? They were occupied with writing letters to their. अब they है, तो they का part of, they का adjective क्या होगा? Their ही होगा। अच्छा, जो हमारे नजदीकी होते हैं, हमारे relatives होते हैं, उन्हें हम near and dear ones ही बोलते हैं। तो near and dear ones भी इसमें सही दिया हुआ है, इसमें कोई error नहीं है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं। ऑक्यूपाई या बिजी, किसी काम में होना, इन्वॉल्व इन, बिजी इन, किसी काम में लिप्त होना, शामिल होना, या एंग्रॉस अगर देगा तो एंग्रॉस के साथ भी यही प्रपोजिशन कैरी होती है। ये चारों वर्ड के साथ इन ही जाएगा यहाँ पर। फटाफट नोट कर लेंगे जल्दी से। वो बेटा यार वन कैसे लिख रहे हो आप यहाँ पे? बहुत सारे रिलेटिव है तो वंस। देखो अगर एक ही रिलेटिव होता तो वन कह देते हम लोग, लेकिन बहुत सारे हैं तो वंस कह दिया हमने। तो ये दोनों, ये सिंगुलर के केस में आता है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, आई वांट अ न्यू वन, मुझे एक नई किताब चाहिए। और अगर मेरे पास एक किताब है, मुझे और बहुत सारी चाहिए प्लूरल, तो मैं प्लूरल के लिए क्या ही लगाऊंगा, प्लूरल के लिए वन सी तो लगाऊंगा मैं। तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यहां पर इसका, वन सी सही था वो। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है सर इसमें योर्स नहीं होगा। कौन से वाले बेटा? यहां योर्स ही होगा, क्योंकि अगर तुम ये कह रहे हो कि नहीं योर्स की जगह योर लिख दो, तो योर तो एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता, उसके पीछे नाउन होना चाहिए था। और अगर नाउन नहीं है तो इसकी जगह तुम प्रोनाउन लिख दो योर्स। तो ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं निकालेगा जबरदस्ती, ठीक है। मोर के साथ देन सही है, 35 लाख से ज्यादा रुपीस का घर में अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बिल्कुल
सही है, ए वाला था, ए वाले में मिस्टेक था। नेक्स्ट। सर इसकी जगह आर होगा ना, बोथ। देखो बेटे यही मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में जब तुम पढ़ते हो ना तो तुम्हें ये रटी रटी चीजें हटानी पड़ेंगी, ठीक है? तो कह रहा है बोथ टाइप्स ऑफ ब्यूटी, तो कह रहा है दोनों प्रकार की जो ब्यूटी। अब क्योंकि ब्यूटी जो है वो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो बेटा क्योंकि वो अनकाउंटेबल है इसीलिए यहां पर आपको सिंगुलर ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट। चलिए देखिए क्या कह रहा है। अब आपने दो एक टेंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो टेंस में आपको पढ़ा देंगे कि जब दो काम पास्ट में होते हैं तो एक काम जो पहले ही हो चुका होता है उसे हम लोग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा काम इसके बाद में होता है दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको मैं याद दिलाने के लिए बचपन की याद दिलाऊंगा आपको कि फर्स्ट एक्शन कैसे हम पास्ट परफेक्ट में लेते हैं और दूसरा एक्शन हम कैसे लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, इसकी याद दिलाते हैं आपको। चलिए याद करिएगा, जब बचपन का कोई ऐसा सेंटेंस बताइए जो आपने इससे रिलेटेड किया हो। क्या आपको याद आ रहा है, क्या आपको ऐसा याद आ रहा है कि बचपन में हमें मास्टर जी खूब पढ़ाया करते थे कि रोगी के मरने से पहले डॉक्टर डॉक्टर आ गया था, रोगी के आने से रोगी के मरने एक सेकंड डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर के आने डॉक्टर आया और रोगी मर गया, यही तो बनेगा। डॉक्टर के आने से पहले ऐसा कुछ था, ऐसा था लगा, मतलब समझ गया ना मेरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुनो तो डॉक्टर के हाँ ओके अब सेंस बिगिंस और दस जैसे ही ऐसा हुआ हाँ जैसे ही ऐसा हुआ मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा मैं तो फिर भी अरे लाइक क्लास में सुबह सुबह चाय की चुस्की ले रहा है ना, क्लास की जगह चाय की चुस्की है भाई, दो शब्द दिन के लिए बंद कर दे। हाँ जी तो क्या था ये बेटा, अरे बताओ ना यार क्या था ये, डॉक्टर के बोल भाई क्या था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका। हाँ डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका, इसका मतलब किसके मरने का काम पहले हुआ, डॉक्टर रोगी के। अरे यार यहां लिख लेता हूं डॉक्टर, यहां आएगा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका मतलब उसका काम खत्म पहले ही हो गया। जो काम पहले खत्म हो गया तो अब देखो हम यहाँ क्या लिखते थे, हेड डाइड लिखते थे, हेड डाइड का मतलब है उसका काम जो है पहले तमाम हो गया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में उसका काम पहले खत्म हो गया। डॉक्टर जो आया वो बाद में आया, पास्ट इंडेफिनिट में आया, कौन से टेंस में आया, पास्ट इंडेफिनिट में आया, केम। यही कहानी यहां पर है कि उसके पायलट बनने से पहले वो बहुत कठिन ट्रेनिंग में गुजरा। अब हेड अंडरगॉन का मतलब है कि ट्रेनिंग पहले ही हो गई थी, पहले ट्रेनिंग होगी तभी तो वो पायलट बनेगा। हाँ भाई पहले ट्रेनिंग होगी तभी तो वो पायलट बनेगा, तो इसका मतलब पायलट वो बाद में बना, तो इसीलिए मैं यहां बिकमिंग की जगह क्या लिख दूंगा, बिकेम, पास्ट इंडेफिनिट। सब मैं होप करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये पूरी बचपन की थ्योरी यहां रिलेट हुई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन के दौरान द ओल्ड मैन, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, हु वॉज लुकिंग unusually cheerful, जो कैसा दिखाई दे रहा था, यहां लुक का मतलब है दिखाई देना, जो कैसा दिखाई दे रहा था, जो कैसा प्रतीत हो रहा था, यहां लुक का मतलब है दिखाई देना, इंग्लिश में से कहेंगे appear, जो कैसा appear हो रहा था, कैसा दिखाई दे रहा था, बताओ कैसा दिखाई दे रहा था, जो बहुत ज्यादा cheerful। अब जब ये verb look appear का काम करती है, इसका मतलब दिखाई देना होता है, तो ये किससे क्वालिफाई होती है, adjective से क्वालिफाई होती है, वो cheerful, वो happy दिखाई दे रहा था। अब कितना happy, तो देखो adjective की विशेषता कौन बताएगा, adverb बताएगा, तो इस adjective की विशेषता कौन बताएगा, adverb बताएगा, यानी unusually क्या हो जाएगा यहाँ पर, adverb हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, एकदम खतरनाक सही दिया है, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। आगे द मैन हु वाज लुकिंग, जो चीयरफुल दिखाई दे रहा था, कैप्ड ऑन, अच्छा कीप ऑन का मतलब पास्ट फॉर्म कैप्ड ऑन, तो इसे मैं प्रेजेंट में लिख देता हूं, तो कीप ऑन जो है इसका मतलब होता है किसी बात को जारी रखना, कंटिन्यू, कैप्ड ऑन। अब ये ऊपर क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पीछे अगर तुम वर्ब मुझे दोगे तो मैं तो उसका जेरंड बना दूंगा, क्या बना दूंगा, मैं उसका जेरंड बना दूंगा, तो इसका मतलब यहां टेक का क्या हो जाएगा, टेकिंग, वो इस बात को बार बार संज्ञान में लेता रहा, कैप्ड ऑन टेकिंग नोट्स। हो गया था सभी को, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था ये।
नंबर 17। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, मुश्किल से वो बस से बाहर निकला ही था कि बम जो है वो एक्सप्लोड हो गया और बस को टुकड़ों में तोड़ दिया। तो हमने क्या पढ़ा है कंजक्शन में, क्या पढ़ेंगे हम कि हार्डली हो या स्केर्सली हो, जब भी इसका सेंटेंस इन दोनों से स्टार्ट होगा या किसी भी एडवर्ब ऑफ निगेशन से स्टार्ट होगा तो उसमें इन्वर्जन होता है। सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद आता है सब्जेक्ट और प्लस उसके बाद आती है वर्ब। अब अगर हेल्पिंग वर्ब हेड है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना। ऐसे चल के फिर इसका कोरिलेटिव किससे बनेगा, किससे बनेगा बताओ, देन से, देन से, व्हेन से, फिर उसके बाद आएगा क्लॉज 2। तो किससे बनेगा फटाफट जल्दी से बताओ। तो पकड़ लिया आप लोगों ने इसका मतलब, तो यहां देन की जगह इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन इसका आंसर हो जाएगा और इसका क्वेश्चन आंसर बनेगा सी, सी विल बी द आंसर। मैंने अभी तो लिया था।
सेंचुरी। चलिए इतनी देर में ये क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाना चाहिए था। इट इज रिलायबली लर्नड, ऐसा इट इज रिलायबल। अच्छा ये तो मैंने बता दिया, देखो ये क्या कह रहा है, इट इज लर्नड, ये पाया गया है। अब लर्नड क्या है, वर्ब है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब याद करो बच्चों, मैंने इससे पिछली क्लास में जो बेसिक्स में पढ़ाया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब मतलब हीर, और हीर जहां है वहां रांझा भी होता है। अगर रांझा, मैंने इसमें तरीके से बताया था ना उस दिन, तो अब यहां पर मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कहीं होती है तो मेन वर्ब भी होती है। ये बेसिक ऐसे काम करते हैं आपके आगे चल के। प्रैक्टिस अगर आपको बेसिक्स मजबूत है ना, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। हीर जहां है वहां रांझा होगा, हेल्पिंग वर्ब जहां है वहां मेन वर्ब होगा। अब मेन वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, मेन वर्ब की विशेषता बताएगा कौन, बताएगा बताओ। इट इज लर्न, ऐसा पाया गया, क्या पाया गया, क्या सीखा गया है। तो देखो ये है वर्ब, वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। अब सर जी रिलायबल क्या है, तो सर मान लो मैं तो गधा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं पढ़ा, तो आप बेसिक तो पढ़ रहे हो ना साथ के साथ। आपको मैंने बताया कि भाई जो एबल होता है ना, एबल, एबल सफिक्स लगने से एडजेक्टिव वर्ड डिनोट करता है, तो रिलायबल क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब तुम्हें इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो तुम इसका एडवर्ब कैसे बना दोगे, ly, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ ly लग के फॉर्मूला क्या तैयार होता है, एडवर्ब। अगर किसी वर्ब में, सॉरी, अगर किसी एडजेक्टिव में ly लगा दो तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। ये बेसिक्स काम आते हैं, बड़े मजबूत होते हैं बेसिक्स। दूसरी बात, अगर किसी नाउन में ly लगा दो, अगर किसी नाउन में ly लगा दो तो वो किसका काम करता है, वो किसका काम करेगा बताओ जल्दी से। अगर किसी नाउन में ly लगा दोगे तो वो एडजेक्टिव का काम करता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां रिलायबल की जगह क्या हो जाएगा, रिलायबली, ठीक है, रिलायबली लर्नड, ये आंसर होगा इसका। एक बच्चा कह रहा है कि सर जिस भी वर्ड के लास्ट में शन लगता है वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। बेटे मेरी बात सुन, वहां पर जो भी वो वर्ड दिया था ना लास्ट में शन वाला, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये काउंटेबल है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, कंट्रीब्यूशन क्या है, काउंटेबल है, मैं आपका डाउट निकाल दूं, ये काउंटेबल नाउन है। एक कंट्रीब्यूशन और एक क्या, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल काउंटर क्या हो जाएंगे, कंट्रीब्यूशंस हो जाएंगे। अरे वन ऑफ के बाद प्लूरल तो तभी लोगे ना जब काउंटेबल होगा, अगर काउंटेबल नहीं होता तो क्यों लगाते हम यहां पर, तो इसीलिए ये काउंटेबल है वहां पर। 51 47 में कम की थर्ड फॉर्म। भैया मैं तो तुम्हारे ना दर्द दूर करते करते पागल हो जाऊंगा, इसीलिए बेसिक पढ़ लेना, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत है, अभी लेवल बढ़ेगा। हेड में कहा सर कम की थर्ड फॉर्म, तो प्यारे बच्चे कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। तो यार सही तो लिखा है फिर यहां पर, तुम्हारे दिमाग में केम चल रहा होगा पक्का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर यहां कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं, चलो फटाफट जल्दी से देखो यार कौन कौन है इनको बदतमीजी वाले। कोई बदतमीजी नहीं चाहिए, पढ़ाई वाली क्लास में हमें कोई बदतमीजी नहीं चाहिए। बदतमीजी अगर करनी है तो उसके लिए क्लास लगा देंगे, उसमें थंबनेल लगा देंगे कि आओ करते हैं बदतमीजी खुलकर, है ना, पढ़ाई वाली क्लास में नहीं। अगर कोई ऐसा पाया जाए उसको ब्लॉक मार दिया तुरंत। चलिएगा, तो देखो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा यहां पर, नीड और डेयर। नीड और डेयर, ये मॉडल की बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है जी। तो मॉडल वर्ब लिख लो, ये अपने दिमाग में छाप लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं तो सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेंगे। नीड और डेयर, जब ये मॉडल का काम करते हैं ना मेरे भाई, किसका काम करते हैं, मॉडल का काम करते हैं, उस समय ये अपने पीछे लेते हैं वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि हर मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेता है, या कह दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं ना भाई, अरे सर क्या ये मॉडल का भी काम करते हैं, मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं, कुछ सेमी मॉडल ऐसे होते हैं जो दोनों का काम करते हैं, उस समय ये लेते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये छाप दिया तुम्हारे लिए मैंने कॉन्सेप्ट, ठीक। अब इसको अप्लाई देखो कैसे करेंगे, जैसे यहां पर उसने कहा शी नीड नॉट, तो आपको सर आप ये बताओ आपको कैसे पता चला ये बात, आपने कैसे पहचान लिया कि यहां पर ये मॉडल है। तो बेटा क्योंकि मैंने बेसिक्स पढ़ा है इसलिए मेरे को ये पता चल गया, तुम भी पढ़ोगे बेसिक्स तो तुम फटक से ऐसे निकाल लिया करोगे। देखो अब मेरा बेसिक्स क्या कहता है, मेरा बेसिक्स तो ये कहता है कि यहां नॉट तुम लगाते हो शॉर्ट फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब की तो शॉर्ट फॉर्म बनती है। कैसे, मान लो मैं कहूं कैन प्लस नॉट, तो कैन बट नॉट इज इक्वल टू कांट, तो कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं कहूंगा विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वांट, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने तो ये देख लिया तुरंत, कैलकुलेशन इतनी फास्ट होती है माइंड में, मैंने ये देख लिया कि ये हेल्पिंग वर्ब होगा तभी तो वहां नॉट लगा। इसका मतलब अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो नीड अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, तो वर्ब के पीछे बेस फॉर्म लेगा। तो इसका मतलब यहां टू गो मार्केट नहीं आएगा, तो यहां से टू हट जाएगा, शी नीड नॉट गो टू मार्केट। ये टू तो ये वाला प्रीपोजिशन है। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता ये टू प्रीपोजिशन, तो मैं वही तो कह रहा हूं बेसिक्स जिस जैसे मेरे साथ पढ़ते जाओगे। अब मुझे ऐसे पता चला क्योंकि यहां टू के बाद मार्केट नाउन है, और टू के बाद नाउन कैसे आ सकता है, टू के बाद अगर नाउन आ रहा है तो ये कंफर्म है कि टू के बाद नाउन अगर आएगा तो टू वहां पर प्रीपोजिशन ही होगा। टू के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो ये क्या होगा, ये प्रीपोजिशन ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटिव में तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन टू के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो प्रीपोजिशन ही होगा। तो इसलिए ये वाला टू मार्केट की वजह से क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हमने टू प्लस वन हटा दिया, तो ये नीड या मॉडल का काम कर रहा है, इसीलिए इसके पीछे केवल वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। अगर ये मेन वर्ब का काम करता तो फिर टू प्लस वन सही होता। समझ में आया कि भाई आया नहीं आया, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ओ गॉड,
पानी दे भाई जल्दी फटाफट। दिमाग खुला तुम्हारा? बेसिक्स वाली वो खोलो इसके बाद। रुको रुको रुको, एक बार नोट कर लेने दो, नोट कर लो फटाफट जल्दी से सारे के सारे। सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए तो मैंने सिर्फ इतना बोला अभी मूक भाषा में कि assertive sentence, अभी हमने इससे पहले पढ़े क्या imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence, अब हमें पढ़ना है सबसे पहले, आज हम पढ़ रहे हैं assertive sentence। अब assertive sentence सबसे पहले होते क्या है मैं आपको बता दूं। assertive sentences वो sentence होते हैं जिनमें हम क्या देते हैं, जिनमें हम देते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, जिनमें हम क्या देते हैं स्टेटमेंट। वो सेंटेंसेस जिनमें हम या तो किसी के बारे में ओपिनियन देते हैं या कोई स्टेटमेंट रखते हैं, या तो हम रखते हैं स्टेटमेंट या हम रखते हैं ओपिनियन, यही तो होता है, या तो हम रखते हैं स्टेटमेंट या हम रखते हैं ओपिनियन, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, मैंने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, या कुछ ग्रामेरियन इनको डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कह देते हैं। बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, assertive sentences बोलो या declarative sentences बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं। opinion किसी के लिए positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है। statement राम स्कूल जा रहा है positive भी हो सकता है, राम स्कूल नहीं जा रहा है negative भी हो सकता है। ठीक है, तो positive sentences या negative sentences ये दो type के होते हैं। ठीक है, पहला he is corpulent, अब मुझे comment box में लिख के बताओ कि corpulent का क्या मतलब है, ये है positive sentence। he is not corpulent, ये है negative sentence। तो assertive sentence कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। चलिए इसके बाद आता है interrogative sentence। अब interrogative sentence क्या होते हैं, what are interrogative sentence? तो प्यारे बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं जिनमें हम क्या पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जिनमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं वो कहलाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, आपने मुझे मीनिंग नहीं बताया। कॉर्पुलेंट का मोटा, कुछ कह रहे हैं पुअर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक वर्ड होता है तुम बहुत गड़बड़ करते हो, ऑपुलेंट। रात वाली वो कैप की वाली क्लास में मैंने तुम्हें सिखाया था ये कॉर्पुलेंट। प्यारे बच्चों कॉर्पुलेंट जो होता है वो होता है क्या होता है, कॉर्पुलेंट कॉर्पुलेंट होता है प्लम्पी प्लम्पी, और ऑपुलेंट क्या होता है, ऑपुलेंट होता है रिच धनी, ये होता है कॉर्पुलेंट मोटा। ठीक है, हाँ, और opulent जो होता है वो अमीर आदमी होता है। ठीक है, rich। तो देखो interrogative sentence दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, these are of two types। पहला होता है close ended और दूसरा होता है open ended। close ended शुरू होते हैं helping verb से और open ended start होते हैं wh word से। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, तो मैं इसका आपको example देके समझाता हूँ। देखो close end की शुरुआत होती है helping verb से, जैसे मैंने आपसे कहा do you play chess, क्या तुम chess खेलते हो, do you play chess, क्या तुम chess खेलते हो, इसका मतलब ये helping verb से start हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, close ended हो गया, कैसा हो गया, close ended हो गया। लेकिन अगर wh word से start हो जाए, जैसे मैं यहाँ wh word लगा दिया why, अब बाकी पूरा same रहेगा, completely same रहेगा, जैसे why do you play chess, तुम chess क्यों खेलते हो, है ना, तो ये wh word लग गया, तो ये कैसा हो जाएगा, open ended हो जाएगा, कैसा हो जाएगा मेरे भाई, open ended हो जाएगा। अब इनका नाम close और open क्यों रखा गया, पेपर में कभी नहीं पूछेगा, बट चलते समय जब डेप्थ में पढ़ रहे हो तो सब कुछ उखाड़ते हुए चलो। तो इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मान लो मैंने कहा do you play chess, तो इसका आंसर तुम या तो दे सकते हो मुझे yes में कि yes खेलता हूं, या दे सकते हो no में, इसके अलावा कुछ नहीं बोलोगे। मैंने कहा hey do you play chess, yes no, तो इसका आंसर सिर्फ yes और no में मिलता है हमें, इसलिए क्लोज हो जाता है वहां पर। लेकिन जब मैंने कहा why do you play chess, तुम chess क्यों खेलते हो, तो आप इसका कुछ भी ओपन आंसर दे सकते हो, भैया मैं chess इसलिए खेलता हूं क्योंकि मेरे पेट में दर्द रहता है, मेरा पेट दर्द से ठीक हो जाता है chess खेलने से। ठीक है, मेरे को माइंड में जो प्रॉब्लम है दूर हो जाती है, मेरा माइंड से खुल जाता है, ओपन हो जाता है, मेरे को मजा आता है, मैं टाइम पास करता हूं, मैं कुछ भी बोल सकते हो तुम, तो इसीलिए ये होता है ओपन, इसमें आप ओपन आंसर दे सकते हो। तो इसीलिए जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें कुछ लोग जो है यस नो टाइप भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, यस नो टाइप, लेकिन क्यों बोल देते हैं ये नहीं पता, इसलिए बोल देते हैं कि इसका आंसर केवल यस और नो में दिया जा सकता है, तो क्लोज एंडेड होते हैं। होपफुली आपको ये बात दिमाग में पहुंच गई होगी। पहला सेंटेंस
डू दे हेल्प द पुअर, क्या वो गरीबों की हेल्प करते हैं? ये कैसा है? क्लोज एंडेड है. व्हाई डू दे हेल्प द पुअर, वो गरीबों की सहायता क्यों करते हैं? ये है ओपन एंडेड. आर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, क्या बच्चे चोर मचा रहे हैं? ये क्या है? क्लोज एंडेड. हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया है, ठीक है? ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है. वेयर वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तुम कहां खेल रहे थे फुटबॉल? तो वेयर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए कैसा है? ओपन एंडेड सेंटेंस है. नेक्स्ट, अब सपोज करो ये आ गया, व्हेन यू विल रिटर्न होम, ये रॉन्ग है. और व्हेन विल यू रिटर्न होम, तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है ये वाला सेंटेंस गलत है और ये वाला सही है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? फिर ऐसे ये वाला सही, ऊपर वाला गलत है, ये वाला सही है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों सेंटेंस आपको, बताओ जल्दी से. इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से हो रही है तो उसके सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब. यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड से जब सेंटेंस को शुरू कर रहे हो तो पहले तुम्हें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी. यादवगढ़ आप कहां से हो बेटे? हमसे भी पूछ ले कभी, हम कहां से हैं, हम कैसे हैं, हैं? हमारे पढ़ाते पढ़ाते गला सूख गया. और यादवगढ़ भी आंसर, इसे गढ़ को भी ब्लॉक मारो कभी. यादव बॉय इंडिया से है, वाह क्या आशिकी चल रही है, खुले आम खुले मंच पे है. एक इंसान है जो चिल्ला चिल्ला के हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है, हजारों बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं. और ये देखो, और मैं तो नालायक इन्हीं को बोलता हूं, तुम लोग तो कम से कम सुधर जाओ. उसने पूछा यादवगढ़ क्या चल रहा है, कहां से हो? उसने कहा यादव बॉय इंडिया से है. वाह क्या प्रेम है, तुमने तो आशिकी का लेवल ही क्रॉस कर दिया. कम से कम एक को ही क्या बोलूं, मैं कुछ गलत बोल जाऊंगा, अभी नहीं बोलता. वाह यहां पढ़ लो यार तुम लोग. नोट क्या कह रहा है? इफ डब्ल्यू एच वर्ड्स आर यूज्ड इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस, ये बड़े काम की बात बोली है. क्या बोली है? डब्ल्यू एच वर्ड के बारे में. पूरा पेज खोल देंगे, यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होगा, बहुत आता है क्वेश्चन. यदि डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ रहे हैं तो ये इंटरोगेटिव का काम नहीं करते, ये या तो रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, ये कंजंक्शन का काम करते हैं. इसका मतलब डब्ल्यू एच वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आ रहे हो तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा. क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और ऐसे चलेगा. तो ये सारा इसमें लिखा हुआ है. If WH words are used in the beginning of a sentence, तो we use helping verb. अगर यही WH word sentence के शुरू में आ जाता, तो उसके बाद हम पहले helping verb लेते और फिर लेते हम subject और ऐसे इसको चलाते. सर WH word middle में बहुत वाला क्वेश्चन, ये बहुत आता है. बेटे तभी तो मैं इतना डीपली आपको समझा रहा हूं. जो चीज आती है वो तुमसे ज्यादा मुझे पता है इस समय पर कि क्या थी. लो ये वाले आते हैं क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में. फटाफट बताओ ये वाला रॉन्ग क्यों है, ये रॉन्ग क्यों है, ये रॉन्ग क्यों है, और नीचे करेक्शन जो दिया है उसमें क्या चीज सही है, जो करेक्शन है इसमें क्या चीज सही है, ये दोनों रॉन्ग क्यों है? ऊपर वाले क्या है जो तुम्हें यहां पर WH वर्ड जब सेंटेंस के मिडिल में दिखाई दे रहा है तो ऐसा क्या है जो तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है? बताओ क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें यहां पर गलत? क्या चीज है जो तुम्हें दिखाई दे रही है यहां पर? देखो यहां WH वर्ड से जब सेंटेंस मिडिल में था ना ये, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी थी, इसलिए हमने यू पहले ले लिया और हेल्पिंग वर्ब बाद में ले लिया, ठीक है? यहां पे डब्ल्यू एच वर्ड के बाद ये विल पहले गलत आ जाएगा, तो इसलिए हमने पहले हर हस्बैंड सब्जेक्ट को ले लिया, फिर उसके बाद विल आया है, इसलिए सही है यहां पर. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे चलेगा आगे चल के, ये वर्ब जो है ना ये आगे आएगा इसके. लो इसमें और इसमें देखो अब जरा, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा. अब ये जो हाउ है ना ये सेंटेंस के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लेगा ये, ये जो कुड है ये इसके बाद चला जाएगा, इसका मतलब हाउ आई कुड हेल्प हर ये बनेगा. ऐसे द टीचर आस्क द स्टूडेंट व्हेन वुड रमेश कम टू स्कूल, तो यहां पर आपने देखा कि व्हेन के बाद रमेश आएगा, यहां व्हेन के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब वुड नहीं आएगा. शादी मुबारक हो सर. अरे कहां से करवा दी शादी? यहां आ जा जरा, कभी शादी करवाओ दे अभी. लो और लो, दर्द ही मिटा देंगे आज. द ट्रैवलर इंक्वायर्ड ऑफ मी, ट्रैवलर ने, यात्री ने मुझसे पूछा व्हेन वुड द ट्रेन अराइव, तो व्हेन के बाद वुड हट जाएगा यहां पर, ठीक है ना? तो सही क्या हो जाएगा? व्हेन द ट्रेन वुड अराइव. शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट वाज माय नेम, कि मेरा नाम क्या था. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं, इसको फुल स्टॉप बना दिया हमने, ठीक है भाई? तो अब देखो, तो इसलिए यहां व्हाट के बाद क्या आ जाएगा? माय नेम वाज, ये वर्ब बाद में चली जाएगी, यहां से वर्ब हट जाएगी. चलिए तो यही तक था आज की क्लास में, ठीक है भाई? अब एक पार्ट जो है इसका बचा हुआ है. अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, क्योंकि आज खत्म हो गया कंटेंट, यही तक था इसमें. क्या कहते हैं,
अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हम लोगों ने यहां तक, ठीक है। अगर कोई भी छोटी मोटी चीज ऐसी होगी, जैसे मैंने आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट निकालना ये सारा सब कुछ सिखा दिया है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी जरूरत पड़ेगी कि मेरे को और कोई बेसिक की छोटी बात समझानी है तो मैं आपको समझा दूंगा। वैसे स्टार्टिंग के लिहाज से इतना ही काफी था, ठीक है। बहुत और डीप में जाऊंगा तो फिर वो चैप्टर वाइज में भी आएगा ही, तो रिपीट करना मैं चाहता नहीं हूं, ठीक है। तो मुझे जहां तक की जरूरत थी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैंने आपको भी करा दिया है। इसके बाद हां, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे निकाला जाता है, इस तरह की चीजें वैसे नाउन वगैरह में पढ़ाऊंगा ही। जैसे मान लो अगर मैंने आपसे कहा आई एम अ गुड बॉय, तो देखो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट को आपको पता ही है सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, ठीक है, सब्जेक्ट होता है डूअर। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी ये तो डूअर, ये तो हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके अलावा जो कुछ भी बचता है वो सारा क्या होता है, प्रेडिकेट। अरे सर ये तो हमारी समझ में आ गया, लो तो फिर बताना जरा, राधा अभी जो ये जो इनकी आशिकी चल रही थी इसी में बना देते हैं, यादव गर्ल लाइक्ड यादव बॉय। इसमें मुझे जल्दी से बता दो आप लोग कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी तुम्हारा यहीं पर क्लियर हो जाएगा। मैं तुम्हें सारा बता दूंगा, मतलब जहां जहां बेसिक से तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। अब जो मैंने आज तक पढ़ा दिया इसके बाद मैं लूंगा आपका टेस्ट आज, ये पूरा करने के बाद अभी 2 या 3 घंटे बाद एक मॉक टेस्ट, वो वाला नहीं, अभी क्लास टेस्ट, जितना बेसिक हमने पढ़ा इसका क्लास टेस्ट जो है, अभी कुछ क्वेश्चंस जो है 50-50 के रूप में, इसकी जो प्रैक्टिस शीट है ये एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगी, और जो बच्चे वहां ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट वो सारे वहां से उसको डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लेना मेरे आने से पहले, क्योंकि जो कुछ भी तुमने पढ़ा उसको खुद सॉल्व करोगे फिर मेरे से सॉल्व करोगे तब उसका बेनिफिट है, ठीक है। तो इसको अपलोड कर दूंगा मैं वहां पर क्वेश्चंस की शीट, और उसके बाद करूंगा मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट। कौन सा चैप्टर सबसे पहला पढ़ना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, वो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखवाऊंगा मैं आप लोगों से, उसके बारे में पोल करवाऊंगा, ठीक है। फिर उसी चैप्टर को सबसे पहले पढ़ाऊंगा, ठीक। तो इसमें देखो सब्जेक्ट है यादवगढ़, ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये बाकी जो है ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। चैनल पे वो आपको बता देंगे, तो रात को मिलते हैं 9 बजे, तब